वेलकम टू PMR स्मार्ट लर्निंग। आज मैं आपके लिए हिस्ट्री की ब्रिज कोर्स की फाइनल टेस्ट यानी कि टेस्ट नंबर 3 लेके आया हूँ, जिसमें आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। तो चलिए हमारा ये वीडियो सीधा सीधा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित कथन के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को वर्णमाला के बॉक्स में लिखिए। फर्स्ट है, दृश्य श्रव्य उपकरणों में शामिल है यह उपकरण। तो कौन सा उपकरण दृश्य श्रव्य उपकरणों में शामिल है ये हमें बताना है। तो इसका आंसर आएगा फर्स्ट टेलीविज़न। तो बॉक्स में लिखना है आपको अ, यहाँ पे आपको ABCD दिया है पर यहाँ पे एक्चुअली अ बकड़ा है, तो आपको बॉक्स में लिखना है अ। सेकंड है IS 1992, मतलब ईस्वी सन 1992, यहाँ पे ईस्वी सन चाहिए था, उन्होंने IS लिख दिया। ईस्वी सन 1992 राज्य में शराब विरोधी आंदोलन शुरू हुआ, तो क्यों हुआ ये हमें, मतलब कहाँ हुआ ये हमें बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश और उत्तराखंड। तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश यानी कि क। आगे थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है, 19 जुलाई 1969 को देश में प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो कितने प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 19 जुलाई 1969 को? तो इसका आंसर है क 14। 19 जुलाई 1969 को देश के प्रमुख 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बी है, अगले समूह में से गलत जोड़ी की पहचान करें और लिखें। तो पहले है सौदामिनी राव, स्त्री मुक्ति आंदोलन, विद्यावाली, नारी समता मंच, प्रमिला दंडवते, महिला सतर्कता समिति, डी ज्योति मापसेकर, महिला आयोग। तो इसका आंसर है ज्योति मापसेकर, महिला आयोग। सेकंड में है डॉक्टर एन गोपीनाथन, ओपन हार्ट शस्त्रक्रिया, ब रामचंद्र शर्मा, कुशल कारीगर, क डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय, टेस्ट ट्यूब बेबी, ड डॉक्टर मोहन राव पोलियो। तो इसका उत्तर है असंगत जोड़ी डॉक्टर मोहन राव पोलियो। थर्ड में है कावसजी डावर इस्पात का कारखाना, ब डॉक्टर दत्ता सामंत, मिल मजदूरों का नेतृत्व, क नारायण मेघाजी लोखंडे, मिल मजदूरों की छुट्टी, ड नारायण सुर्वे, कविताओं द्वारा श्रमिकों का जीवन दर्शन। इसका उत्तर है कावसजी डावर इस्पात का कारखाना। आगे प्रश्न क्रमांक 2 है, निर्देशों का पालन करें। फर्स्ट, अवधारणा चित्र को पूरा करें। तो यहाँ पे हमें ऐसी एक डायग्राम दी गई है, इसमें ऊपर लिखा है मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंग। तो यहाँ पे बीच के बॉक्स में हमें पहले से दिया गया है प्राइवेट सेक्टर यानी प्राइवेट क्षेत्र, और लेफ्ट और राइट बॉक्स हमें भरने हैं। तो लेफ्ट में आएगा सार्वजनिक क्षेत्र और राइट में आएगा संयुक्त क्षेत्र। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 2, निम्न तालिका को पूरा करें। तो इस तालिका के आंसर कुछ इस प्रकार रहेंगे, भ्रष्टाचार के आगे आएगा देश की अर्थव्यवस्था को धोखा, और उसका उपाय होगा व्यवहार में पारदर्शिता लाना, और झुग्गी झोपड़ियों की समस्या में परिणाम आएगा स्वास्थ्य को धोखा निर्माण होना, और उपाय होगा प्राथमिक सुविधाएं उपलब्ध कराना। आगे क्वेश्चन नंबर 3, अगले प्रश्न का उत्तर 25 से 30 शब्दों में दे, कोई 3। तो यहाँ पे हमें 3 ही दिए गए हैं, तो हमें तीनों सॉल्व करने पड़ेंगे। तो फर्स्ट है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का कार्य क्या है? तो इसका आंसर है वर्ष 1953 के बाद भारत के बहुसंख्यक समाचार पत्रों के लिए सभी महत्वपूर्ण घटनाओं का प्राथमिक विवरण, महत्वपूर्ण विषयों पर आधारित लेखों का उपलब्ध स्रोत प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया था। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने अनगिनत समाचार पत्रों को विभिन्न समाचार, छायाचित्र, आर्थिक और वैज्ञानिक विषयों से संबंधित लेखों की आपूर्ति की है। सेकंड है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के बारे में जानकारी लिखो। तो इसका उत्तर रहेगा वर्ष 1993 में स्त्री और पुरुष पर होने वाले अन्याय को दूर करने के लिए मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम बनाया। इसके लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। इसी आधार पर कुछ राज्यों में राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई।
इस कानून के अनुसार सामूहिक अत्याचार, संबंध विच्छेद मतलब तलाकशुदा महिलाओं की सामाजिक दशा, महिलाएं और सुरक्षित कार्य स्थान जैसे विभिन्न विषयों पर कानून ने प्रभावशाली भूमिका निभाकर महिलाओं पर होने वाले अन्याय को दूर किया है। थर्ड है, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए क्या खतरा है? तो इसका आंसर है, राष्ट्र सुरक्षा को निम्न बातों से खतरा है। फर्स्ट पॉइंट, राष्ट्र की संप्रभुता को चुनौती देना। सेकंड पॉइंट, दूसरे राष्ट्र का आक्रमण करना। थर्ड पॉइंट, धर्म प्रादेशिकता इत्यादि कारणों से देशांतर्गत विद्रोह निर्माण होना। और फोर्थ पॉइंट है, देश में आतंकवाद का बढ़ना। तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन पूरा हुआ। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर है, दिए गए विधानों को कारण सहित स्पष्ट कीजिए। तो फर्स्ट है, आधुनिक भारत का इतिहास लिखने के लिए सही मीडिया महत्वपूर्ण है। तो मीडिया महत्वपूर्ण है, यहाँ पे हमें ये बताना है कि क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसका उत्तर रहेगा, दूरदर्शन, फिल्म, इंटरनेट आदि साधनों को दृश्य श्रव्य साधन कहते हैं। और क्वेश्चन में जो मीडिया शब्द का प्रयोग हुआ है उसका अर्थ है दृश्य श्रव्य साधन। तो आगे देखते हैं, आगे एक आंसर में, इंडियन न्यूज़ रिव्यू नामक संस्थान ने राजनीति, समाज नीति, कला, खेलकूद और संस्कृति जैसे विभिन्न क्षेत्रों में घटित महत्वपूर्ण घटनाओं पर आधारित समाचार फिल्में बनाई है। आधुनिक भारत के इतिहास का अध्ययन करने के लिए समाचार फिल्में और अनुबोध फिल्में उपयोगी है। इन साधनों के आधार पर इतिहास का अध्ययन करना सहज हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन, डाक विभाग डाक टिकटों के माध्यम से भारतीय संस्कृति की विरासत एवं समरसता के संवर्धन हेतु प्रयास करता है। इसका उत्तर है, भारत के स्वतंत्र होने के बाद से लेकर अब तक डाक टिकटों में अलग अलग रूपों में परिवर्तन हुए हैं। टिकटों के आकारों में हुई विविधता, विषयों की नवनवीनता, विभिन्न रंग संगति के कारण डाक टिकट हमें बदलते समय के बारे में बहुत कुछ कहते रहते हैं। डाक विभाग राजनीतिक नेताओं, पुष्पों, पशु पक्षियों, किसी प्रसंग की रजत स्वर्ण जयंती, अमृत महोत्सव, शताब्दी, द्विशताब्दी, त्रिशताब्दी पूर्ति के उपलक्ष्य में टिकटों का प्रकाशन करता है। यह टिकट इतिहास की अनमोल धाती होता है। थर्ड, भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को स्वीकार किया। इसका कारण मतलब उत्तर है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन निजी स्वामित्व के नियंत्रण में होते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन समाज अर्थात सरकार के स्वामित्व के अधीन होते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था निजी और सार्वजनिक ऐसे दोनों क्षेत्रों में कार्यरत रहती है। अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था के उत्तम तत्वों का समन्वय साधने का प्रयास किया गया है, इसलिए भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को स्वीकार किया है। यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन पूरा हुआ। अब बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। तो फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों का विस्तृत उत्तर दीजिए, मतलब विस्तार में उत्तर दीजिए। तो फर्स्ट है, 20 सूत्री कार्यक्रम की जानकारी लिखिए। इसका उत्तर होगा, 1 जुलाई 1975 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 20 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की और विकसित राष्ट्र की दिशा ने गतिमान प्रगति करने के प्रयास का संकल्प किया। इस कार्यक्रम में प्रमुख प्रावधान इस प्रकार थे। फर्स्ट, कृषि और शहरी क्षेत्रों में अधिनियम, भूमि धारण कानून, संपत्ति का समान वितरण, खेत मजदूरों को न्यूनतम वेतन, जल संवर्धन योजनाओं में वृद्धि करना। सेकंड पॉइंट, श्रमिकों का उद्योग क्षेत्र में प्रतिभाग, राष्ट्रीय प्रशिक्षण योजना और बेगार से मुक्ति। थर्ड पॉइंट, कर चोरी की प्रवृत्ति, आर्थिक अपराध और तस्करी की रोकथाम। फोर्थ पॉइंट, जीवनावश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर नियंत्रण, राशनिंग व्यवस्था में सुधार। फिफ्थ पॉइंट, हथकरघा क्षेत्र के विकास द्वारा उत्तम वस्त्र उद्योग का निर्माण, दुर्बल वर्गों के ऋण से मुक्ति, आवास निर्माण, दूरसंचार सुविधाएं, विद्यालयों के लिए शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध कराना। और यहाँ पे थर्ड है, उदाहरण से स्पष्ट कीजिए कि महिलाओं की संयुक्त शक्ति विभिन्न क्षेत्रों में सुधार ला सकती है। तो इसका उत्तर है, फर्स्ट पॉइंट, पेड़ों की कटाई के खिलाफ राजस्थान में हुए आंदोलन में महिलाओं ने चिपको आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई।
सेकंड पॉइंट, आंध्र प्रदेश में शराब विरोधी आंदोलन में महिलाओं द्वारा शराब दुकानों को बंद करने के कारण सरकार को शराब की बिक्री के खिलाफ सख्त नीति अपनानी पड़ी। महाराष्ट्र में हुए हुंडा विरोधी आंदोलन, महिला मुक्ति संघर्ष समिति आदि में महिलाएं सक्रिय थी, जिससे महिलाओं के खिलाफ अत्याचार को